हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है पीयूष, आप देख रहे हैं बिकम टेक्स। एंड गाइज, हियर वी हैव द ऑल न्यू 2024 टीवीएस अपाचे आरटीआर 160। एंड गाइज, ये अपनी सिंगल डिस्क वेरिएंट है, जहाँ पे सिर्फ फ्रंट में डिस्क मिलता है, रियर में अपने को ड्रम ब्रेक मिल जाता है। एक तरीके से काफी ज्यादा एक तरीके से वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट भी निकल के आ जाती है, थोड़ा सा पैसे भी बचा सकते हो, फीचर वाइज भी ठीक है। और ये मैट ब्लू में जो गाड़ी लगती है ना, प्रेजेंट जो इसका रोड का रहता है, बढ़िया लगता है। इसका फुल डिटेल रिव्यू करने वाले, इसमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, इंजन में पावर एंड टॉक, डायमेंशन, प्राइसिंग, कलर ऑप्शन, वेरिएंट, क्लस्टर फीचर्स वगैरह हर एक बात करने वाले हैं कि इसमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। एंड गाइस, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसको प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे बाइक से रिलेटेड इंटरेस्टिंग रिव्यू, अपडेट, कंपैरिजन में छपाने के लिए वाराणसी नियर बाई से बिलोंग करते हो, टीवीएस की कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, बिल्कुल इस डीलर से पा सकते हैं। शोरूम का सारा कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा। सो फ्रेंड्स, चलिए बिना देरी के इस डिटेल रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह इसके की से स्टार्ट करेंगे। तो वैसे यहाँ पे आपको कुछ ऐसी टू कीज देखने को मिल जाती है, काफ़ी बढ़िया डिजाइन। ये चीज़ मुझे बढ़िया लगता है, टीवीएस के सभी प्रोडक्ट का की भाई आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलता है। एंड इसको एक बार ऑन करते हैं, और गाइस यहाँ पे आपको कुछ ऐसी काफ़ी बढ़िया सी अपनी लो बीम और एलईडी डीआरएल ब्लिंक करने लगते हैं इग्निशन को ऑन करने के बाद। टर्न सिग्नल को छोड़ के बाकी सारी चीज़ आपको एलईडी देखने को मिलती है। एंड रियर में अगर टेल लैंप को आप देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया सा अपने को एलईडी टेल लैंप देखने को मिल जाता है। एंड क्लचर अपने को देखेंगे तो डिजिटल पूरा आ जाता है। अब इसकी हम लोग पूरा डिटेल रिव्यू में बात करने वाले हैं। एंड गाइस, अगर बात कर लेते हैं कलर ऑप्शन प्राइसिंग वेरिएंट की, तो गाइस यहाँ पे आपको अपाची आरटीआर 162V, हालांकि ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं है, यहाँ पे आपको टोटल देखेंगे तो टू वेरिएंट मिलते हैं। एक आती अपनी स्मार्ट एस कनेक्ट, जो कि भाई ये नहीं है, वहाँ पे आपको ब्रांडिंग मिल जाती है जिसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह मिलता है। ये स्मार्ट एस कनेक्ट नहीं है, अपनी भाई सिंगल डिस्क वेरिएंट है, जहाँ पे फ्रंट में एबीएस आ जाता है। एंड गाइस, अगर ऑन रोड प्राइसिंग की बात करते हैं तो ये अप्रॉक्स कॉस्ट करेगी आपको 150 से 155 तक। ऑन रोड प्राइस बिल्कुल डिफरेंट सिटी स्टेट में वेरी कर सकती है। एंड अगर फ्रंट प्रोफाइल से स्टार्ट कर रहे हैं तो काफ़ी बढ़िया मैट ब्लू के साथ इसका लुक निकल कर आ रहा है, ग्राफिक्स के साथ ऊपर अपने को मिल जाता है ब्लैक कलर का वाइजर, इंडियन फ्लैग की ब्रांडिंग, टर्न सिग्नल आपको नॉन फ्लेक्सिबल हैलोजन मिलेगी, एलईडी डीआरएस और स्पीड एलईडी हेडलाइट सेटअप मिलता है, नीचे नंबर प्लेट होल्डिंग की सेटअप, रियर व्यू मिरर, काफ़ी बढ़िया मैट ब्लू में अपने को बॉडी पार्ट्स कलर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे गाइस अपने को फेंडर प्लास्टिक की मिलती है, कार्बन फाइबर फिनिश मिल जा रही है, सुपर मोटो एबीएस की ब्रांडिंग। एंड गाइस यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं टायर प्रोफाइल की, तो यहाँ पे आपको जेके टायर्स मिल रहा है और ट्यूबलेस टायर मिल रहे हैं, 90x90 सेक्शन टायर मिलते हैं, 70 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। फ्रंट में अपने को भाई डिस्क ब्रेक देखने को मिला है, एबीएस मिल जाता है, स्विफ्टी में काफ़ी अच्छा टेक करता है भाई अपना एबीएस, सुपर मोटो एबीएस की ब्रांडिंग मिल जाती है, काफ़ी बढ़िया अलॉय व्हील, टीवीएस रेसिंग की ग्राफिक्स। एंड गाइस अगर साइड प्रोफाइल में देख रहे हैं कुछ ऐसी ओवरऑल राइट साइड प्रोफाइल आती है, फ्यूल टैंक कैपेसिटी यहाँ पे आपको मिल जाती है 12 लीटर की, काफ़ी बढ़िया फ्यूल टैंक कैपेसिटी आ जा रही है। ये आपको मिलता है फाइबर का मेटल का टैंक मिलता है, 3D ब्रांडिंग मिल जाती है टीवीएस की, ग्राफिक्स वगैरह, कार्बन फाइबर फिनिश, RTFI की ब्रांडिंग मिल जाती है, रेसिंग सिंस 1982 की ब्रांडिंग मिल जाती है, काफ़ी बढ़िया सा फिनिश मैट का मिलता है, E20 कंफर्टेबल इंजन आता है, फ्लैक्स व्हील को सपोर्ट करता है, ब्लैक कलर का यहाँ पे आपको मिल जाता है पार्ट, फ्यूल नोब मिल जाता है फ्यूलिंग कराने के लिए, नीचे इंजन काउल, टीवीएस रेसिंग की ब्रांडिंग मिल जाती है, ब्लैक कलर का इंजन, यहाँ पे आपको ब्रेक लीवर मिल जाता है, काफ़ी बढ़िया से क्रिस्प मिलता है पैड के साथ, रियर पैसेंजर के लिए अपने को मेटेलिक मिल जाता है भाई फुटरेस्ट, RTR की ब्रांडिंग मिल जाती है सिल्वर फिनिशिंग में, यहाँ पे आपको कार्बन फाइबर फिनिश, RTR 160 की ब्रांडिंग, फ्लैट सीट आता है, काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर बाइक है ये अपनी। एंड ये भाई इसकी ओवरऑल प्रोफाइल रही। रियर में अगर देखते हैं तो अपने को 110x80 सेक्शन टायर मिलते हुए 70 इंचेस वाला एलॉय व्हील, 130mm का ड्रम ब्रेक मिलेगा, काफ़ी बढ़िया टायर प्रोफाइल के साथ आता है, परफॉर्मेंस वाइज भी काफ़ी बढ़िया हो जाती है व्हीकल, ट्विन हॉर्न देखने को मिलता है। एंड गाइस यहाँ पे आपको जो साइड में देखेंगे पैनल को कार्बन फाइबर फिनिश, यहाँ से इसको ओपन कर सकते हो, अपाची की ब्रांडिंग। एंड अब आ जा रहे हैं इसके रियर प्रोफाइल की तरफ, तो ये भाई इसके ओवरऑल रियर प्रोफाइल, जहाँ पे एलईडी टेल लैम्प मिल जाते हैं, कार्बन फाइबर फिनिशिंग वगैरह, टर्न सिग्नल आप देखें तो अपने को हैलोजन मिल जा रहे हैं, नंबर प्लेट होल्डिंग की सेटअप, यहाँ पे गाइस अगर देखें तो अपने को नॉन फ्लेक्सिबल रिफ्लेक्टर वगैरह काफ़ी सही मिल जा रही है रियर प्रोफाइल। एंड ये है भाई इसके ओवरऑल लेफ्ट साइड प्रोफाइल, सेम राइट साइड की तरफ मिलेंगी चीज़ें, और हालांकि बहुत कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है बताने लायक। 160cc में बेस्ट रही है ये व्हीकल, काफ़ी अच्छी डिज़ाइन, इंजन में पावर एंड टॉक के साथ आती है, अच्छी अच्छी व्हीकल को बीट कर देती है, काफ़ी सारे यहाँ पे आपको कार्बन फाइबर फिनिश मिलते हैं, 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है, कुछ ऐसा यहाँ पे आपको गियर लीवर मिलेगा, रेस्ट वगैरह की क्वालिटी आपको काफ़ी बढ़िया मिलती है, साइड स्टैंड इंजन कोडॉक के साथ आता है, डबल स्टैंड मिलेगा, ओपन चैन टाइप सिस्टम आता है, वीमेंस के लिए काफ़ी बढ़िया ये व्हीकल आ जाती है, क्योंकि फ्लैट सीट यहाँ पे आप देखेंगे तो वीमेंस के लिए यहाँ पे साड़ी गार्ड, फुट रेस्ट, बढ़िया बात है। रियर में अपने को डुअल निक टाइप एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलता है, फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, अगर टैंक और हैंडल बार को देखते हैं तो कुछ ऐसी ओवरऑल लुक निकल के आ जाती है, काफ़ी हैवी बल्कि अपने को टैंक मिलता है, और 12 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी तो देखने को मिल जाती है भाई। एंड बात कर लेते हैं अब इसके ओवरऑल भाई क्लचर और स्विचेस वगैरह की, सो गाइस यहाँ पे आपको फुली डिजिटल MID मिल रहा है, जहाँ पे गाइस अपने को टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, रियल टाइम मोड्स आपको देखने मिल जाते हैं, अर्बन मोड, स्पोर्ट मोड, रेन मोड, यहाँ पे आपको टैकोमीटर, ट्रिप मीटर वगैरह सभी चीज़ें मिलेगी। M&S के नाम से 2 फंक्शन बटन मिल जाते हैं अपने क्लचर को ऑपरेट करने के लिए, इंजन चेक लाइट, ABS, टर्न सिग्नल, न्यूट्रल, लो फ्यूल इंडिकेशन, साइड स्टैंड, प्रॉपर इंडिकेशन मिलेगा, देखेंगे तो टर्न सिग्नल का यहाँ पे आपको
यहाँ पे तीनों मिलेगा RTR 160 की ब्रांडिंग। स्विचेस को देखते हैं तो राइट साइड इंजन कट ऑफ का स्विच, मोड्स के बटन, सेल्फ स्टार्ट एंड लेफ्ट साइड में देखें तो पास का हाई बीम लो बीम टर्न सिग्नल हॉर्न का स्विच मिल जाता है। यहाँ पे देखेंगे तो भाई अपने को मिल जा रही है सिल्वर फिनिशिंग गियर लीवर्स, काफ़ी बढ़िया लुक एक तरीके से निकल के आ जाता है भाई अपने 162V का ब्लैक कलर का इंजन आ जा रहा है। नीचे अपने को मिल जा रहा है भाई इंजन गार्ड जिस पे आपको TVS रेसिंग की ब्रांडिंग मिलती है। एंड अगर बात करें तो इंजन स्पेसिफिकेशन की तो 159.7 cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड FI BS6 फेज 2 इंजन देखने को मिल जा रहा है, जहाँ पे मैक्स पावर 15.82 BHP मिली है 8750 RPM पे, 13.85 Nm को टॉर्क मिल जाए 7000 RPM पे। माइलेज की बात करें तो अप्रॉक्स 45 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज एंड 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी ऑफर हो रही है। एंड टॉप स्पीड की बात करेंगे तो भाई काफ़ी सही यहाँ पे आपको 115 किलोमीटर पर प्लस की टॉप स्पीड मिल जा रही है। एंड अगर बात कर लेते हैं भाई इसके हम लोग डायमेंशन की, 2085 mm की लेंथ, 780 mm की विड्थ, 1105 mm की ओवरऑल हाइट, 1300 mm की व्हील बेस, 790 mm की सीट हाइट, जिससे कि शॉर्ट राइडर वो भी इसको इजीली राइड कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। एंड 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर हो रही है। 137 kg की कर्व वेट देखने को मिल जाती है अपनी अपाची RTR 162V में, काफ़ी अग्रेसिव फ्रंट की लुक डिज़ाइन मैट ब्लू के साथ तो और भी बढ़िया लग रही है। जहाँ पे आपको व्हीकल में काफ़ी सारे कार्बन फाइबर फ्यूज वगैरह मिल जा रहे हैं, फ्रंट में 270 mm के डिस्क ब्रेक, रियर में 130 mm का ड्रम ब्रेक एंड सिंगल चैनल ब्रेक साथ आ जाता है। सो गाइस ये था इसका ओवरऑल वॉक अराउंड, फुल डिटेल रिव्यू, फ्यूल टैंक कैपेसिटी, काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर बाइक भी निकल के आ जाती है, स्पोर्टिंग बाइक भी है, एग्रेसिव डिज़ाइन है। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करेगा, चैनल पर नए इसको सब्सक्राइब करेगा, ऐसे ही बाइक से रिलेटेड इंटरेस्टिंग रिव्यू अपडेट कंपैरिजन में आने के लिए। मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।